ब्रेकफास्ट कर लेते हेवी। ठीक है अच्छा तीन बोरिया ना बाहर देगा। तो अभी कुछ सीन ऐसा हुआ है कि थोड़ा वो ईटानगर घूमने के लिए निकले सॉरी नाहरलगन घूमने के लिए निकले अभी। तो आज रात को ट्रेन है 7 बजे तो वो जाएंगे, लेकिन अभी सुबह का टाइम है थोड़ा घूम लेते। बाकी सामने का नजर आप देख सकते एकदम बढ़िया है काफी ज्यादा, तो घूमते हैं थोड़ा आप सभी को भी दिखाते हैं क्या है। बाकी तो अभी 6 पहाड़ के ऊपर ऐसे नीचे जा रहा है देखिए नीचे, लेकिन चारों ओर घर ही घर है चारों ओर। तो अभी मेरा भाई लेकर जाएगा घूमने के लिए, तो आपने पहले देखा है मेरे साथ वीडियो में। तो भाई कहाँ जा रहा है अभी? अभी तो यहाँ एक पार्क है तो वहाँ जा रहा है। तो चलिए चलते हैं आप सभी को दिखाते हैं। ओके ये अभी गाइड बन के हमें लेकर जा रहा है नाहरलगन घुमाने के लिए। कभी तो धूप है लेकिन अच्छा लग रहा है, ठंड में धूप गर्म बराबर। ओके तो ये रहा वो पार्क, चलिए अंदर। तो अभी आ चुके हैं हम लोग पोलो पार्क में, टिकट भी काट लिया है एक आदमी एक मतलब लड़का मतलब एक लोगों का 20 रुपया करके। तो आ चुके हैं देख सकते हैं आगे इतना जा रहा है पूरी स्पीड में। तो चलिए हम भी चलते हैं पूरी स्पीड। अच्छा लग रहा है, ओह यहाँ से तो व्यू कुछ अलग है बहुत काफी ज्यादा। और एक बार ऊपर से एक बार व्यू दिखा देता है आप सभी को नाहरलगन का, जो जितना मतलब बहुत ही अच्छा है देख सकते हैं ऐसे। बाकी चलो और पेड़ 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 बहुत सारा पेड़ है, थक गया होगा। तो आगे जाएंगे उस तरफ भाई। अच्छा कुछ बताओ इस पार्क के बारे में जो मेरे सब्सक्राइबर लोगों को भी मालूम चले। ये इस पार्क में कुछ भी खासियत नहीं है, बस ऐसे नॉर्मल पार्क है घूमने के लिए आते हैं सब घूमने के लिए। नाहरलगन आने से आ सकते हैं आप, शांति है मतलब देखते और घूमकर उसके बाद बताते हैं आप सभी को। ओके और यहाँ में पार्क है देखिए, बच्चा आने से खेल सकते हैं घूम सकते हैं हमें बच्चे ही, लेकिन हम लोग नहीं है तो हम लोग घूमेंगे। और ये वीडियो कॉल कर रहे हैं किसके साथ मालूम नहीं। आते आते आ चुके हैं ये जगह पर देख सकते हैं खाली है पूरा बढ़िया है और काफी ज्यादा शांति है इस पार्क में आने से, क्योंकि देख सकते हैं पूरा ये सब। ठीक है, और मेरा भाई कहाँ चला गया? वो उतना दूर चला गया। तो ठीक है अभी थोड़ा ऐसे देखिए उधर देखिए ऐसे के लिए बैठने का जगह है बहुत सुंदर ऐसे, तो वहाँ में जाके थोड़ा बैठते बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ में आके। और यहाँ से मतलब एक चीज़ बहुत ही अच्छा है कि आप पूरा अरुणाचल का व्यू देख सकते हैं पूरा चारों ओर 360 डिग्री मतलब पूरा घुमा के देख सकते हैं, क्योंकि चारों ओर से आपको ऐसे मिलेगा देखिए पूरा व्यू देखने को मिलेगा आपका ना पूरा नाहरलगन का व्यू देखने को मिलेगा आप सभी को। और ठीक है वहाँ में जाके थोड़े बैठते उसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं कहाँ चलते हैं। ओके और घूमना हो गया काफ़ी टाइम बैठ चुका है बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा हवा भी है क्योंकि ऊपर है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट और बाकी ये व्यू बहुत ही सुंदर है तो सामने 2-3 फोटो क्लिक कर लेते हैं। और ये लाइब्रेरी है मतलब ओपन लाइब्रेरी, आप बुक लेकर या फिर बुक रख के आप बुक ले सकते हैं पढ़ने के लिए राइट। और फुल इंस्ट्रक्शन है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। तो ये है पार्क के सामने में है लाइब्रेरी ओपन लाइब्रेरी, आप आके विजिट कर सकते हैं देख सकते हैं मतलब बुक ले सकते हैं। ओके और ये है हाथी मार्ट मेन टाउन देखिए लागुन? लागुन ब्रिज बोलते हैं इसको, अदरवाइज इसको जी एक्सटेंशन भी बोलते हैं। बाकी आगे में क्या है वो? ट्रैफिक वो सर मतलब क्या बोलेगा
है कुछ कुछ शॉप ये सब मॉल से लोग उल्टा खा लो। तो अभी ऐसे बस टाउन घूम रहा है, आप सबको दिखा रहा है थोड़ा थोड़ा सब लेके। तो सामने एक शॉपिंग मॉल है, वहाँ पर जाके भी देखना है, देखते हैं। ओके अभी ब्रिज के ऊपर से रोड क्रॉस कर रहे हैं, ऊपर से को दिखा देते हैं सब। नाहरलगन मेन टाउन ना भाई, नाहरलगन मेन टाउन। ओके ये राजीवगंज स्टेडियम, लेकिन अभी अंदर जाने नहीं देंगे, बंद है शायद, मालूम अगर नहीं किया है, लेकिन बाहर से देख लीजिए एक बार। तो ये मेन टाउन कौन? फैमिली मार्ट, फैमिली मार्ट मॉल का नाम यम है। अभी अंदर चलते हैं शॉपिंग मॉल पे। ओके कोई पता है, अच्छा है, सुंदर है। अच्छा है कभी सोचा, लेकिन कुछ लेना है नहीं क्योंकि सिर्फ कपड़ा है वो तो है ही। ऐसा कुछ प्लान नहीं था, काम के लिए आया था तो घूम कर गया, नेक्स्ट टाइम देखते हैं। ओके ऊपर और एक है बच्चों के लिए, अभी चलते हैं बाहर फिर। ओके तो क्या था, चलिए अभी चलते हैं बाहर। ओके तो अभी जा रहा है डेली मार्केट घूमने के लिए, बाकी सब ठीक है। अंदर घूम रहा है पूरा, देखिए नाहरलगन का डेली मार्केट। पूरा घूम रहा है एक से अंदर अंदर से दिखा रहा है फिर, तो देखिए। ओके मंदिर जाएंगे तो दिल्ली में आप सभी को दिखा दिया अभी मंदिर। ओके काली मंदिर और शिव मंदिर, काली मंदिर और शिव मंदिर। चलिए पानी तो चाहिए ही। ये है काली मंदिर ना जो अभी बंद है। ऐसे बंद है लेकिन ये हमें आ सकते हैं, अंदर ऐसे खुला है। चलते हैं फिर नेक्स्ट दुर्गा मंदिर ना, नेक्स्ट कौन सा, नेक्स्ट शिव मंदिर। चलिए तो ये है नाम घर, और ये है नाम घर, चलते हैं अभी वहाँ। और ये है शिव मंदिर जो बंद है अभी। तो ये भी बंद है, ये था हॉस्पिटल है टुमरीबा हॉस्पिटल मेन रोड के सामने में ना। तो अभी हम लोग पिज्जा खाने जा रहे हैं, तो अभी कुछ खाना जा रहा है, पूरा घूम लिया, और भी घूमना था लेकिन ट्रेन का टाइम भी हो रहा है, घर में जाना है,
तो इसलिए अभी चलते हैं घर, अभी कुछ खा के चलते हैं घर, उसके बाद रंगा पड़ा। ओके ये हमें खाने जा रहे हैं अंदर, चलिए। बर्गर, चिकन बर्गर का हमें तो वो भी चिकन बर्गर और कोल्ड कोक स्प्राइट। और भाई गए ऑर्डर करने के लिए, ऑर्डर कर रहे हैं। ठीक है, काफी ज्यादा भूख लगा था, यहाँ में आ चुके, अभी खा के चलते हैं घर जल्दी से, काफी सुंदर है जगह। ठीक है, बैकग्राउंड से खा लिया, अभी घर चलते हैं लंच करके, लंच करना पड़ेगा, लंच करके चलते हैं स्टेशन के ओर डायरेक्ट। ओके, ये एग्रीकल्चर का ऑफिस देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, और ये है गुवाहाटी हाई कोर्ट ईटानगर परमानेंट ब्रांच नाहरलगुन अरुणाचल प्रदेश का कोर्ट। A few moments later, खाना जाने के लिए रेडी, अब जा रहे हैं स्टेशन। ओके, बाकी यहाँ में आके रुका है थोड़ा टाइम, और यहाँ से चिप्स ये सब ले लिया है गाड़ी में खाने के लिए। तो ठीक है, डायरेक्ट चलते स्टेशन, अभी बस आएगा 5:30 को, तो बस आ गया अभी, चलिए। स्टेशन टिकट है कोच एसेट और बेट नंबर है 7980। तो एसेट ये रहा और 7980 मतलब यहाँ में एकदम सबसे इतना बड़ा ट्रेन में सबसे लास्ट में हमें दिया, मतलब हम दोनों को दिया गया है एकदम लास्ट डब्बा, एकदम लास्ट में एक किचन होगा या शायद इंजन है, मालूम नहीं, छोड़िए। बाकी ठीक है, यहाँ में बैठकर अभी आराम करते, बाकी ट्रेन छोड़ते छोड़ते 7:55 को, अभी 6:30 जैसे हो रहा है। ठीक है, ओके, तो फाइनली ट्रेन खोल दिया गया है इतना टाइम बाद, एक घंटा जैसे बैठा था बाहर, तो मेरा सीट नीचे, गोविंद का सीट ऊपर, तो डायरेक्ट चलते हैं रंगा पड़ा। ओके, फाइनली रंगा पड़ा पहुँच गया है, अभी डायरेक्ट चलते हैं घर और फिर सो जाते हैं, काफ़ी बोर हो चुका था हुआ हमें। ओके ठीक है, अब आपको वीडियो देखने में अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा लगा तो शेयर कर सकते हैं, सब एकदम बढ़िया है, मिलते जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग पे, बाय बाय। और बाकी मैंने 4 वीडियो बनाया, कैसा लगा सभी को प्लीज़ कॉमेंट कीजिए। बाय बाय।